Majan and you're watching Spurs Hacks. Friends, Happy Independence Day! This year, it's our 75th Independence Day. और इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए आज की वीडियो में हम 3 बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी 5 मिनट क्राफ्ट्स बनाने वाले हैं। तो हम बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे कार्ड, बैंड और बुकमार्क। तो जल्दी से देखते हैं ये तीनों क्राफ्ट कैसे बनाते हैं। और फ्रेंड्स याद है ना, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करो। सबसे पहले हमने ये पेपर लिया है, इसे हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे। सो एज टू एज, कॉर्नर टू कॉर्नर एंड फोल्ड। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो फोल्ड करने के बाद हमने ये मार्किंग्स मार ली हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेयर केस वाले डिजाइन में है। तो हम यहाँ पे 2 कट्स मारेंगे, 1 कट हेयर एंड 1 कट हेयर। अब हम इसे ओपन करेंगे, ये कुछ ऐसा लग रहा है, और हम इस पूरे पार्ट को आगे ऐसे पुश कर देंगे एंड देन विल क्लोज इट अप। इस वाले के अंदर हम सिर्फ ऊपर वाले में कट्स मारेंगे। ऐसे ही हम लास्ट बॉक्स को भी कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा। फ्रेंड्स हमारे फोल्डेड पीस में मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ ताकि हमारा ये बैकग्राउंड पेपर विजिबल हो। सो फ्रेंड्स अब हम इन दोनों पार्ट्स को एक साथ पेस्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स तो ये बंद होते हुए कुछ ऐसा लग रहा है एंड देन विल ओपन इट लाइक दिस। सो मैंने कुछ पीसेस कट किए हैं ऑफ आई लव इंडिया, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। फ्रेंड्स सी दिस इज क्लोज्ड राइट नाउ, नाउ आई विल ओपन इट। I love India! Yay! So ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमने 2 ऑरेंज कलर के पेपर्स लिए हैं और इन्हें हम फैन फोल्ड करेंगे। तो इतना फैन फोल्ड करने के बाद हम इसे हाफ में फोल्ड करेंगे और इन दोनों पार्ट्स को एक साथ ऐसे जॉइन कर लेंगे। यही सेम चीज हम दूसरे वाले के साथ भी करेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पीसेस को हम यहाँ साइड पे लगाएंगे और इसे हम ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब हमने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का प्रिंट आउट लिया है और इसे कट कर लिया है, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स हमारा इंडिपेंडेंस डे कार्ड रेडी हो गया है। सो ये बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है, लेट्स ओपन इट इन 3, 2, 1। I love India! तो सबसे पहले हमने फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड का पीस लिया है
सो इस पीस की मेजरमेंट हमने ली है 21 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। इसे हम कट कर लेंगे। सो हमने ये एक पूरी फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड की स्ट्रिप कट कर ली है। अब हमने तीनों ट्राई कलर्स लिए हैं, वाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज। सो इन तीनों कलर्स की स्ट्रिप्स हम कट कर लेंगे ताकि हम इस बैंड के ऊपर इन्हें लगा सकें। सो इन स्ट्रिप्स की मेजरमेंट है 21 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों कलर स्ट्रिप्स को इस कार्डबोर्ड की स्ट्रिप के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेक श्योर दैट आप फेविकॉल को स्प्रेड करो, नहीं तो फेविकॉल के निशान पेपर के ऊपर आ जाएंगे। अब हम इसके बीच में अशोक चक्र बनाएंगे। अब हमने वेलक्रो लिया है और इसे हम दोनों साइड्स पे लगा लेंगे यूजिंग स्टेपलर। सो फ्रेंड्स, हमारा ट्राई कलर बैंड रेडी हो गया है। अब इसे पहन के देखते हैं। यस फ्रेंड्स, सी सबसे पहले हमने ये पेपर का पीस लिया है और हमने ये टूटी हुई कैंडल ली है। अब हम इस टूटी हुई कैंडल से कोई भी डिजाइन बना लेंगे। आई एम मेकिंग काइट्स। अब हमने कॉटन लिया है और इसे हम कलर में डिप करके अपने बुकमार्क का बैकग्राउंड बनाएंगे। सो फर्स्ट टाइम टेकिंग ऑरेंज। फ्रेंड्स, सी जहां जहां पे हमने वैक्स लगाई थी वहां वहां पे इट्स लीविंग अ मार्क। सो फ्रेंड्स, हमारे बुकमार्क का बैकग्राउंड रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये डीवीडी मार्कर है, ब्लैक पेन है। सो इससे हम इन काइट्स को आउटलाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने पंच मशीन ली है, इससे हम इसके टॉप पे पंच करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं इसे एक पेंसिल की हेल्प से इस रिबन को ऐसे इंसर्ट कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा इंडिपेंडेंस डे का बुकमार्क रेडी हो गया है। सो आई विल पुट दिस बुकमार्क हियर इन माय बुक। And now I can open my book and read it whenever I want. So friends, है ना ये तीनों crafts बहुत ही simple, बहुत ही easy। आप भी इन्हें बनाओ और इसकी photos हमारे साथ Facebook पर share करो। तो अगर आपको मेरी आज की video अच्छी लगी, like करो, share करो और मेरे channel को subscribe करो। Bye, have fun, be creative, happy Independence Day.